तो गाइस हमारा कश्मीर ट्रिप हो चुका है ऑफिशियल स्टार्ट, और जाने से पहले हम कर रहे हैं प्रेयर, मतलब मेरी मम्मा कर रही हैं, तो हम हमारे लिए प्रेयर कर लेना, धन्यवाद। व्हाट्सअप पी यू। तो ब्रेकफास्ट तो कुछ करा नहीं है, इसलिए चाय पी के काम चलाना पड़ रहा है। लेट्स गो गाइस, वी आर एट एयरपोर्ट और अभी हम कर रहे चेक इन। बैग ड्रॉप करने के बाद हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक करने, बेटा सिक्योरिटी चेक है उधर, तो लेट्स गो। गाइस हम सिक्योरिटी चेकअप करा लिए हम घुस चुके एयरपोर्ट के अंदर, और हमारी फ्लाइट 9 बजे की, इसलिए हम 6 बजे आपके इधर बैठ गए। तो फिर इधर हम खाने वाले एक टेस्टी से ब्रेकफास्ट बर्गर किंग या फिर डोमिनोज। तो हम रुके बर्गर किंग में खाना खाने के लिए, तो पापा हमें उधर ऑर्डर कर रहे हैं, और ये खेल लिया अपने एयरपोर्ट एक मस्त सीन, जहाँ पे बहुत सारे प्लेन भी दिख रहे हैं और प्लेन टेक ऑफ करते हुए भी दिख रहे हैं। वाओ। सो गाइस बोर्डिंग हैज स्टार्टेड एंड वी आर गोइंग टू बोर्ड अवरसेल्व्स इन द प्लेन। और ये हम प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं, और देखो एक मस्त गाना सुनते हुए हमारा टेक ऑफ। ये मिला मुझे प्लेन में खाने के लिए। गाइस हमारी लैंडिंग हो चुकी है और हम पहुंचे कश्मीर एयरपोर्ट। तो जैसे कि हम फ्लाई कर रहे थे, उसमें माउंटेन्स हाइज दिखी थी, तो मैं खुश हो गया था इन सब देखते कि तराई से। तो आई थिंक ये कश्मीर ट्रिप बहुत अच्छी जाने वाली है। और अब हम इधर आ गए हमें लगेज को क्लेम करने, और बैग्स आना शुरू हो गए। तो जैसे कि हमने सोचा कि इधर बहुत ठंड होने वाली है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। शामियाना अगर आपको दिख रहा हो तो शिकारा जाने वाले टाइप ऑफ बोटिंग होती है, पर ऐसे में ऐसे छज्जे में होती है, और कल हम शायद से होम बोट में भी जाएंगे। तो हम बैठ गए शिकारे में, और बहुत ही ना इंसाफी हो रही है कि पापा मम्मी को मिल रहा है एक बेड सा, और मुझे बैठना पड़ रहा है सीट पे। तो सॉरी। तो हम बैठ चुके हैं शिकारे में, और मम्मी और पापा बैठ के बेड पे मजे ले रहे हैं, और मुझे बैठना पड़ रहा है इस छोटी चीज पे। ये हमारे बीच में टाइप ऑफ हाउस बोट थी, पर ये एक रेस्टोरेंट है, और वाटर के बीच में खुला है, पर ये एक बोट जैसे दिखता है। सो इट्स रियली अमेजिंग। बीच बीच में कुछ ऐसी भी शॉप आ रही है जिसमें कि ऐसे कुछ सामान रखा हुआ है, और फिर उनसे पूछ रही है कि आप इंटरेस्टेड हो उसको बाय करने में। और ये वाटर के बीच में भैया हमारे लिए बना रहे हैं मस्त फूड चाट, अभी हम एंजॉय कर रहे हैं मस्त फूड चाट। गाइस इधर स्टार्ट होती है हमारी फ्लोटिंग मार्केट, इसे फ्लोटिंग मार्केट कहते हैं, बिल्कुल रिवर के बीच में बनी हुई है टाइप ऑफ। ये फल की शॉप अभी आपको ये छोटी लग रही होगी, पर 3 2 1 टन 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 टन। ये जो आपने बीवासुन सिटी की थी, और इसे बोट वाले कम्युनिकेट करते हैं।
सो गाइस इधर बहुत सारी बोट आने की वजह से हो चुका है बोट ट्रैफिक. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एवर सीन द बोट ट्रैफिक. एयर ट्रैफिक देखा था, कार ट्रैफिक देखा था, आज पहली बार बोट ट्रैफिक देख रहा हूँ. बोट तेजेस रहने लगे लोग जाम को हटाने के लिए. हाँ अभी बस अपने शिकार में लेटे हुए और हम पूरे भी घूम रहे हैं, अभी फ्रूटिंग मार्केट भी घूम रहे हैं और दो तीन पॉइंट और घूमे थे तो हमें बहुत मजा आया. तो आप कभी कश्मीर आए तो जरूर इस शिकार में राइड करें, बहुत मजा आएगा आपको. और ये देखो एक मस्त सा नजारे है इस लेक में, डल लेक में. ये पीछे सन भी बहुत अच्छा लग रहा है. और ये भैया जो मैं घुमा रहे पूरी डल ये कश्मीर. तो गाइस अब हम आ चुके हैं शिकारा से, हम डिनर भी कर लेते फिर आज को व्लॉग करते हैं. अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.